वेलकम बच्चों। तो आज फिर से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ सर्टेन न्यूमेरिकल्स ऑन टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उससे रिलेटेड टर्म्स, गॉस लॉ, एप्लीकेशन, फिर से उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले भी हम एक पेपर का डिस्कशन कर चुके हैं। आज के क्वेश्चंस उनके क्वेश्चन उन पेपर से, जो पिछला पेपर हमने किया है उसके कंपैरिजन में थोड़ा और अच्छे लेवल के, थोड़ा सा हायर लेवल के हैं, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा फिर से। तो ये रहा आप लोग का प्रैक्टिस पेपर। इसको पॉज करके, जैसा कि सजेशन था पहले की तरह, आपको इसे पॉज करके नोट कर लेना है, एक बार अपनी तरफ से खुद से ट्राई करना है, और नहीं आए तो हम बस इसका सॉल्यूशन शुरू करने जा ही रहे हैं, लेकिन इनको एक बार जरूर अपनी तरफ से ट्राई करें, करने की कोशिश जरूर करें, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा इसके बाद सॉल्यूशन को देखने पर। तो शुरू करते हैं। यहां इस तरफ आपके पास क्वेश्चन एक एक करके आते रहेंगे, मैं इधर से पढ़ता रहूंगा और सॉल्यूशन होता रहेगा, आप एक एक करके उसे देखते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस अ चार्ज ऑफ 8.85 × 10⁻¹ कूलम, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, और सब में पूछा इफ रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड हाउ वुड द फ्लक्स चेंज। तो पहले का सॉल्यूशन कुछ ऐसा आ रहा है कि चार्ज आपको गिवन में दिया गया है, चार्ज आपसे बताया गया है 8.85 × 10⁻¹² कूलम, और आगे बोला गया है कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के बताएं। तो सिंपल सा फॉर्मूला, एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी नो दैट 1/ε₀ टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज, तो 1/ε₀ की वैल्यू 8.85 × 10⁻¹², और चार्ज आपको डेलिबरेटली ऐसी वैल्यू में दिया है कि यहां पर आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। आपसे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सीखा पूछा जा रहा है, मैथमेटिक्स के लिए तो आपके पास अलग से सब्जेक्ट है ही, तो नॉर्मली हमारी फिजिक्स की कैलकुलेशन जनरली आसान ही होती है, इतनी मुश्किल नहीं है। यहां चार्ज हमने दिया है 10⁻¹ कूलम है, सॉरी ये 10⁻¹ कूलम है, तो 10⁻¹ को सॉल्व करेंगे −12 ऊपर आएगा, तो 10⁴ वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर बन जाता है। इसमें एक और बात पूछी है कि रेडियस को डबल करेंगे, तो आप इसके लिए बता देंगे एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस तो कोई लेना देना है ही, हमारा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इसमें कहीं है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। सो इफ आर इज डबल्ड, अगर आर को डबल करते हैं देन फ्लक्स रिमेन सेम, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरे पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ वैल्यू दी है 17.7 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, कैलकुलेट फ्लक्स डेंसिटी। यहां जो ये फ्लक्स डेंसिटी आपसे पूछा है, ध्यान रखेंगे फ्लक्स डेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, अगर एंगल जीरो है तो यहां से एरिया फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है, रेडियस आपको बता दी गई है 0.5 मीटर है, चार्ज आपको दे दिया गया है 17.7 माइक्रोकूलम। तो एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है 1/ε₀ टाइम्स इंटू एनक्लोज चार्ज, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने ई डॉट ए में देखा था स्फेरिकल सरफेस के लिए, ये ई ए कॉस जीरो से ई ए बन जाएगा, तो 1/ε₀ × Q, और आप चाहें तो ई ए, ए को 4πr² की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां से ई का फॉर्मूला बन जाएगा 1/ε₀ × Q/A, ए इज फॉर स्फेरिकल सरफेस, रेडियस अगर गिवन है तो 4πr² होता है, तो 1/ε₀ × Q/4πr² 4π को उसके साथ कर दो तो 1/4πε₀Q/r², आप चाहो तो फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल कंडक्टर को हमने प्रूव भी किया है वो एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। तो वैल्यू 9 × 10⁹, चार्जेस 17.7 माइक्रो है, तो 10⁻⁶ लिख लेंगे, और अपॉन में रेडियस 0.5 × 0.5, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये पॉइंट हटाकर यहां पर 2 10 लग जाएंगे, और आप समझ ही रहे होंगे कि ये 5 से 2 और फिर से 5 से 2, 2 × 2 = 4, 4 × 9 = 36, तो ये बन रहा है 36 × 17.7 × −6 +9 से 10³ आएगा, और अब अगर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो रफली कर लेते हैं, यहां पर 17.7 और 36 है 42,
46, 10, 3721, 323 आ गया, 313, 45 आ गया, 2, 617, 3, 516. तो एक के बाद ऐसे में लगाएंगे और ये बन रहा है 637.2 into 10 to the power 3 और आगे सॉल्व करते हैं तो 6.37 2 into 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर. ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर है. 6.4 into 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर आंसर दिया गया है. तो आप इसको अपने सामने इसका सॉल्यूशन पॉज करके इसको फिलहाल के लिए नोट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 को आगे बढ़ाते हैं. एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ वैल्यू दिया है. फ्लक्स इस बार आपको दे दिया है -5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इतना बताया है आपको. ये पासेस थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर और आगे आपसे बोला है ड्यू टू ए चार्ज चार्ज प्लेस्ड एट इट सेंटर कैलकुलेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस. चार्ज निकालने के लिए बोल रहे हैं एट द सेंटर और बोला है रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल हाउ मच फ्लक्स इज पास थ्रू इट. तो टेक्निकली हमारे पास फॉर्मूला है गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज डायरेक्टली. तो यहां से चार्ज का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई हो जाता है. एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फ्लक्स इज -5 इंटू 10 टू द पावर 3 और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5525 है. 5842 हो गया. 5844 हो गया. 44.25 इंटू 10 टू द पावर -12 प्लस 3 यानी कि -9. एक डेसिमल और सेट करेंगे 4.425 इंटू 10 टू द पावर -8 हो गया और यहां क्योंकि चार्ज माइनस है तो ये माइनस में आएगा. फ्लक्स माइनस में था इसका मतलब चार्ज भी माइनस में है. ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू आ चुकी है कूलम में. हमारा आंसर ये मैच कर रहा है और दूसरा बोला है कि रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल हाउ मच फ्लक्स इज पास थ्रू इट. तो एज फ्लक्स फिर से पहले की तरह इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस सो सेम फ्लक्स वुड पास. दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है हमारे पास. कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ ए क्लोज्ड क्यूब ऑफ साइड एल इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट इट सेंटर. पहला पार्ट क्यू एट सेंटर बोला है तो टोटल फ्लक्स की अगर बात करें टोटल फ्लक्स तो वो होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो फ्लक्स पर फेस की बात करेंगे तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. हम पिछले पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं. अच्छा इसमें एक और है बी पार्ट क्यू एट वर्टिसेस. अगर वर्टिसेस पर रख दिया है तो क्यू के अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज होगा क्यू एनक्लोज्ड वो क्यू का 1/8 टाइम्स होता है. इसका कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में यूनिट सेल्स अगर पढ़ी है तो उसमें भी होगा. अदरवाइज आप क्यूब के सेंस में देख सकते हैं कि अगर किसी क्यूब के कॉर्नर पर आप चार्ज या कोई बड़ा सा स्फेयर रखते हैं तो ये बेसिकली ग्राउंड लेवल पर चार क्यूब से जुड़ा हुआ होगा तो पूरा नीचे का पार्ट इसमें एनक्लोज हो जाएगा. उतने ही चार और आप ऊपर रख देते हैं तो टेक्निकली बीच में आ जाएगा. यानी कि अगर हमारे पास चार क्यूब नीचे है और चार क्यूब ऊपर है एक सेम साइज के तो उनका जो एक कॉमन कॉर्नर होगा वहां पर अगर आप एक स्फीयर रखते हैं तो सब में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो एक क्यूब को जो मिलेगा ये पूरा 1/8 पार्ट मिलेगा. तो एनक्लोज चार्ज क्यू बाय 8 हो गया. तो फिर हम कह सकते हैं टोटल फ्लक्स इज क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट बिकॉज क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है और फ्लक्स पर फेस करेंगे तो ऑब्वियसली 1/6 और करना पड़ेगा तो 6 और आ जाएगा 8/6 48 और क्यू बाय 48 एप्सिलॉन नॉट हमारा आंसर होगा. ठीक है उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा. पॉज करके नोट कर लेंगे. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं. मैं कोई एक बता देता हूं इसमें से बाकी तो आप जरूर अपनी तरफ से ट्राई करें और एक बार सॉल्यूशन देख लेने के बाद आप डेफिनेटली उनको कर भी लेंगे. तो कौन सा क्वेश्चन इसमें किया जाए 5th, 6th, 7th मुश्किल वाला करते हैं जिसमें ज्यादा काम हो. तो 6th क्वेश्चन को हम पकड़ते हैं. 5th क्वेश्चन आप और 7th क्वेश्चन आप इसी के बेसिस पर कर लेंगे. हम 6th का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं. तो ये क्वेश्चन जरा अच्छे स्टैंडर्ड का है तो अच्छे से एक्टिव हो जाइए और इसको सीखने के लिए तैयार रहिए.
इसमें कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज अल्फा एक्स टू द पावर 1 बाय 2 यानी कि अल्फा रूट एक्स, और यह भी बोला है कि ई वाई और ई जेड नहीं है यानी कि जीरो है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, और उसकी डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव में दिया है तो उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मानी जाएगी। आगे आपसे बोला है कि अल्फा की वैल्यू 800 है, यहां अल्फा की वैल्यू भी बता दी गई है 800 है, ए की वैल्यू आपको साइड ऑफ क्यूब दिया है 0.1 मीटर कंसीडर करने के लिए बोल रहे हैं, और आपसे बोला है फ्लक्स थ्रू द क्यूब और चार्ज विद इन द क्यूब निकालो, तो इसको सीख लेते हैं अच्छे से। यहां पर जो केस आपको दिया है ध्यान से देखेंगे, ये एक क्यूब आपको दिया गया है और इस क्यूब की पोजीशन कुछ ऐसी है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और पहली बार में परेशान किया भी होगा इसने आपको, लेकिन सॉल्यूशन देख लेने के बाद आपको पता चल जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो देखते हैं इसको ये है क्या। अगर हम एक एक्स वाई जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ड्रॉ कर दें एक्स वाई जेड, तो ये बताया गया है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में एक्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू एक्स डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। यहां आपको बोला है ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो आपको ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस में काम कर रहा है तो अब इससे निकलने वाला फ्लक्स और इसका अंदर आने वाला चार्ज वो आपको दोनों बताने हैं। तो बेसिकली अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में तो ये टॉप फेस बॉटम फेस ऊपर नीचे एरिया वेक्टर देंगे, एंगल 90 डिग्री होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और फ्लक्स हो जाएगा जीरो, यानी ये दोनों फेस फ्लक्स नहीं बनाने वाले। इसी तरह से बैक साइड और फ्रंट का भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, वो भी फ्लक्स नहीं बनाने वाला, यानी कि फ्लक्स हमारा सिर्फ ये फेस फ्रंट में और ये बैक में आने वाले फेस से ही डेवलप होगा। तो अब अगर इन पर देखें तो इसकी डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू a है और इसकी डिस्टेंस सेकेंड वाले के लिए x इज इक्वल्स टू 2a है। मान लेते हैं फर्स्ट फेस है, ये सेकेंड फेस है, सेकेंड फेस का एरिया वेक्टर बाहर होगा, फर्स्ट फेस का एरिया वेक्टर पीछे होगा बाहर की तरफ फिर से, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्योंकि दोनों सेम चल ही रहे हैं x एक्सिस में तो इधर आएगा E2 फॉर सेकेंड फेस, इधर आएगा E1, इनकी वैल्यू हमें अलग से निकालनी होगी। तो यहां दिख रहा है E1 के साथ एरिया वेक्टर का एंगल 180 डिग्री बता रहा है और यहां वाले E2 के साथ एरिया वेक्टर एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री बता रहा है। इन दोनों फेस का फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है और सीधे सीधे हमारा फ्लक्स का आंसर आ जाएगा। तो अगर हम देखें एज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज अल्फा रूट एक्स, तो फील्ड फॉर फर्स्ट फेस दिस इज E1 इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, एक्स की वैल्यू इसके लिए ए आ रही है। फील्ड फॉर सेकेंड फेस E2 इसके लिए अल्फा रूट ए प्लस ए 2a आ रही है। तो टोटल फ्लक्स अगर देखेंगे तो टोटल फ्लक्स दोनों फेसेस का फ्लक्स आ रहा है ∅1 प्लस ∅2। ∅1 को ओपन करेंगे तो E1a वेक्टर में डॉट में E2 डॉट a, तो ये बनने जा रहा है E1a cos 180 डिग्री, एंगल 180 है, प्लस E2a cos 0 डिग्री। दूसरी बात यहां एरिया की बात करें तो इस स्क्वायर प्लेट का जो एरिया है a स्क्वायर से हमें a मिल जाएगा, तो ये वैल्यू भी हमें मिल रही है, cos 180 माइनस हो गया तो माइनस E1a प्लस E2a, यानी कि सॉल्व करेंगे तो a कॉमन और E2 माइनस E1 वैल्यू बन गई। ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो सॉल्व करने के लिए phi इज इक्वल्स टू a इज a स्क्वायर, E2 इज अल्फा रूट 2a माइनस अल्फा रूट a, कॉमन करेंगे तो अल्फा रूट a कॉमन हो जाएगा, तो अल्फा a स्क्वायर रूट a और जो अंदर बचने जा रहा है वो है इधर रूट 2 और इधर 1, तो रूट 2 माइनस 1 एक्सप्रेशन बच जाएगा। इसको अब अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो यहां है पावर 2, यहां है पावर 1/2, तो 2 प्लस 1/2 5/2 बन जाएगा। अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो 800, ए की वैल्यू हमारे पास है 10^10, ए की वैल्यू हमें दी गई थी 0.1 है यानी कि 10^-1, तो ये ए यानी कि 10^-1 की होल पावर 2 एंड रूट में आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं क्या है, अलग अलग ही रखेंगे इसको, ऐसा कर लेते हैं कि a इज 10^-1 का स्क्वायर हो गया और ये रूट में 10^-1 है और साथ में 1.414 -1 आ रहा है,
इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं आगे आगे सॉल्व होकर क्या बन रहा है। ये बन रहा है कुछ इस तरह से, फाइव इज इक्वल्स टू 800 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है, तो 100 और 10 की पावर माइनस 2 मैनेज हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 8 बचेगा। रूट 10 की पावर माइनस 1 है तो उसको 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन रूट से बाहर निकालने में आसान हो। 0.414 आ जाएगा, 1 10 की पावर माइनस 2 से माइनस 1 बाहर मिलेगा, रूट 10 और ये 0.414। तो रूट 10 की वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेट वे में निकाली जाए तो अप्रोक्सीमेट वे में रूट 9 की वैल्यू हमें मालूम है कि ये होती है कितनी, रूट 9 होता तो 3 आ जाता, अब ये रूट 10 है तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा, आप चाहो तो इसे 3.1 रफली लिख सकते हो। 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 3.1 इंटू 0.414, बाकी का काम मल्टीप्लाई करके लिखने का है, उम्मीद है आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। रफली अगर करें तो ये बन रहा है 8, 3.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, 8 हो गया, 8 3 24, तो 24.8 का प्रोडक्ट हमें करना है 0.414 के साथ, तो 0.414 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32, 4 4 16 और 3 19, 4 2 8 और 1 9, 8 4 2 और फिर से 2 9 9, तो सॉल्व करेंगे तो ये बन गया है 2 17 16 12 और 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल लग गया और ये एक्सप्रेशन हमारा बन रहा है 10 टू द पावर माइनस 1 था, इनका प्रोडक्ट किया तो ये आ गया है 10.262672, यानी कि रफली अगर कर लिया तो 1.02672 वोल्ट मीटर हमारा फ्लक्स का आंसर होना चाहिए, और हमें जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है 1.05, ठीक है, राउंड ऑफ में अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, इतना हमारा आंसर करेक्ट ही माना जाता है। हम और डिटेल में जाते हैं तो 3.15 तक लिखा जाता है, ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट ही है। ऑल्सो इसको नियर बाय आप चाहो तो 1.03 लिख सकते हो, 1.03, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फिर फ्लक्स का फॉर्मूला 1/ε0 टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू ε0 इंटू क्यू, और ε0 की वैल्यू आपको पता ही है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 चार्ज फ्लक्स है, करेक्ट फ्लक्स, तो फ्लक्स की वैल्यू 1.03, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.85, तो ये आता है 8.85, 1.03, 3.15, 3.24 और 1.25, 3.24 और 2.26, 0, 0, 0 and 5, 8, 8, तो ये बन गया है 5, 5, 6, 5, 11 है 8, 10, 11, 9, तो 4 के बाद 9.11, हमें जो दिया है वो दिया है 9.27, तो ठीक है, ज्यादा कोई असर बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली चलेगा, आप और प्रिसाइज हो सकते हैं कैलकुलेशन में तो बहुत अच्छी बात है। बाकी थोड़ा सा हमें टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, तो कैलकुलेशन अगर अप्रोक्सीमेटली हो रही है आपको मार्क्स की ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन ऐसे ही होगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन ऐसे ही होना है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। होपफुली आप लोगों को यह समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट बुक से ढूंढ के प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्वेश्चन की। और अब बचे हुए 3 क्वेश्चन जो है हमारे पास, जरा उनको भी देख लेते हैं, तब तक के लिए आप इसे पॉज करके नोट कर लेंगे। बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है, इफ कूलम्स लॉ इन्वॉल्वड 1/r³ डिपेंडेंस इंस्टेड ऑफ 1/r², वुड गॉस लॉ बी स्टिल ट्रू, तो आपका आंसर होगा नो। इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम अलग से देख सकते हैं, वैसे मांगा नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर f की वैल्यू 1/4πε0 Q0 by R cube हो जाए बजाय R square के, तो क्या Gauss law phi E is equals to 1/ε0 times of Q होगा? तो इसके लिए हम यहां से देख सकते हैं कि E का formula आ जाएगा F/Q0, तो 1/4πε0 Q/R³ होगा, और उसके बाद जब हम flux की value निकालेंगे phi E, E into A spherical surface के लिए, E is 1/4πε0 Q/R³ तो था ही, 4πR² area होगा, और इसमें अगर आप 4π से 4π काटते हैं तो नीचे एक r एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम बोल देंगे विच इज नॉट द गॉस लॉ, यानी कि गॉस लॉ इस केस में वैलिड नहीं होगा।
नाइन क्वेश्चन में बोला गया है द एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दे दिया है आपको, क्यू पी दे दिया है, पी इज 20 × 10⁻⁶ कूलम मीटर दिया है और आपसे बोला है इज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको पता ही है कि हम क्यू नेट अगर देखें फॉर डाइपोल तो एक होता है इसमें प्लस क्यू, एक होता है माइनस क्यू और ये बन जाता है जीरो। और अगर चार्ज एनक्लोज नहीं है, भले डाइपोल मोमेंट होगा पर चार्ज एनक्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो आंसर लेकर आएगा। और लास्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ स्मॉल डाइपोल इज डबल्ड बाय व्हाट फैक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल चेंज। हमें पता है एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल की वजह से क्यूब में आता है, अगर आर को करते हैं डबल्ड तो यहां डबल का क्यूब है यानी 1/8 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 1/8 टाइम्स। सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट हुआ, आप लोग इसे पॉज करके नोट कर ही लेंगे। और इसी पेपर के साथ हमने बेसिक डिटेल देख ली है क्वेश्चंस की, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस और बुक से कंपैरेटिव क्वेश्चंस निकालकर आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें और अपनी इंप्रूवमेंट को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।